मध्य प्रदेश गुना जिले के चाचौड़ा में सीएमओ ने कुछ लोगों पर अभद्रता करने के साथ साथ झूमा झटकी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार में लोगों ने पेयजल तथा बाईपास रोड की समस्या को लेकर नगरपालिका अधिकारी विनोद उन्नीत का घेराव कर झूमा झटकी की थी, जिसके बाद अधिकारी ने चाचौड़ा थाने पहुंचकर शिकायत की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक काम बंद करने की बात कही। चाचौड़ा से शिवम नामदेव की रिपोर्ट। जब यहाँ पे पाइप डल रहा था तब आप कहाँ थे? तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे सीएनजी डला हुआ है और ड्राई में सीएनजी है। जैसा कल विदित एक सब जगह घटना हुई है, कल मेरे को रात में 8:45 बजे विधायक प्रतिनिधि का फोन आया था कि लोग मार्केट चौराहे पे, चाचौड़ा मार्केट चौराहे पे कुछ लोग समस्या को लेकर इकट्ठे होकर ज्ञापन देना चाह रहे हैं। वो मुझे खुद बिठा के ले गए और वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पहले से ही बहुत भीड़ थी और उसमें बेटू जोशी और काफ़ी लोग इकट्ठे, उनमें बहस हुई, मतलब उनने अपनी समस्या बताई, मैंने अपने उनको निराकरण का आश्वासन भी दिया। और इसी बीच में किशोर सिंह नाम है पिंकू, उसने आके मेरे हाथापाई की, मेरे पे गला पकड़ लिया और गाली गलौज की। इसी इसको लेके हमने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब, अपने FIR कल FIR कराई, मेडिकल कराया मैंने अपना, और टोटल कर्मचारी काम बंद करेंगे, ना लाइट ना पानी ना सफाई, जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसी तरह का कोई काम नहीं होगा।